एंड वेलकम बैक टू ब्ले लर्नर के 12. सो दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3. हाँ, चैप्टर नंबर 2, बिकॉज आपके सिलेबस जो रिड्यूस हुए हैं उसके बाद अब ये थर्ड चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर बन चुका है, बिकॉज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस हमारे सिलेबस से कट चुका है. तो इस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है एंड इस चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट. बट इस चैप्टर का नाम भी चेंज कर चुका है. क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट था इस चैप्टर में वो पढ़ना ही नहीं है, तो पॉलिटिक्स वर्ड को हटा दिया गया. अब इस चैप्टर का नाम बच के रह गया है प्लान डेवलपमेंट. और मेजरली अगर बात करूँ तो आपको दो टॉपिक तैयार करना है इस चैप्टर से, दैट इज NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड अनदर वन इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग. इन दोनों टॉपिक को आपको तैयार करके चलना है इस चैप्टर से. लेकिन क्या इसका ये मतलब हो गया कि बाकी टॉपिक को हम लोग निग्लेक्ट कर दें? नहीं, बाकी टॉपिक को भी हम लोगों को ब्रीफली पढ़ के रखना है, ताकि हम ये समझ सकें कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी नीति आयोग की, क्यों जरूरत पड़ी इंडिया में प्लानिंग कमीशन को लाने की, क्यों इंडिया में प्लानिंग की जरूरत पड़ी. इन सब टॉपिक को भी हम लोगों को पढ़ना है, तभी आप NDC एंड NITI नीति आयोग के सिग्निफिकेंस को समझ पाओगे और उसका डेवलपमेंट क्यों किया गया इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाओगे. राइट, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ, हम लोग ब्रीफली सही लेकिन बाकी टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में आपको बाकी टॉपिक मिलेंगे. NDC या नीति आयोग के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज CBSE की अगर बात करें तो उन्होंने नीति आयोग में तो हमारी मदद करी है, उन्होंने रेफरेंस मटेरियल में नीति आयोग के बारे में तो जानकारी दिया है, बट NDC में उन्होंने राम भरोसे से छोड़ दिया. मतलब क्या कि आप खुद से तैयार करो. बट आप चिंता मत करिए, व्हेन वी आर हियर डोंट वरी, बिकॉज NDC पे आपको बहुत बेहतरीन वीडियो मिल जाएगा, फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप इन सब के साथ आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट होता गया, डेवलपमेंट के मीनिंग को पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी इंडिया में, क्यों जरूरत पड़ी इंडिया में प्लानिंग कमीशन लाने की. इन सब टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग NDC या नीति आयोग के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है. सो विदाउट फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. बट उससे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने पेश है, अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है वीडियो पॉज करिए एंड कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर दीजिए, एंड अगर आपको नहीं आता है वीडियो में बने रहिए, लास्ट में आप इस लायक हो जाओगे कि इस क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान तरीके से दे सको. सो क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, या फिर BR अम्बेडकर, या फिर जयप्रकाश नारायण? आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है. सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट के बारे में समझ लेते हैं. डेवलपमेंट आखिर होता क्या है? क्या उसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया जा सकता है? नहीं, डेवलपमेंट का कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता, बिकॉज डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल के लिए डेवलपमेंट के मतलब अलग अलग होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए फार्मर के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा. ठीक है, और सोचिए कि सोसाइटी में जो एक पुअर है उसके लिए डेवलपमेंट के मीनिंग कुछ अलग होंगे, रिच के लिए डेवलपमेंट के मीनिंग कुछ अलग होंगे, एक गर्ल है उसके लिए डेवलपमेंट के मीनिंग कुछ और साथ ही साथ बॉय के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और ही हो जाएगा. मतलब क्या हो गया, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल डेवलपमेंट को अलग अलग तरह से देखते हैं. ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ रखा होगा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. ठीक है, तो ये चीज़ होती है. और इवन की बात करें आप रीजन के क्षेत्र में, अगर कंट्री के बारे में बात करें, स्टेट के बारे में बात करेंगे, तो हर एक रीजन के अपने अपने डेवलपमेंटल गोल होते हैं. राइट, तो डेवलपमेंट का कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं. इसको एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. किसी नदी पर डैम बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए डैम बनाया गया इस नदी पर, इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज बहुत खुश होंगे, बिकॉज उनको बहुत चीप रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगा, तो उनको प्रॉफिट टू प्रॉफिट मिलेगा. लेकिन क्या इसका ये मतलब हो गया कि सभी के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ इस डैम बनने से? नहीं. सोचिए उस किसान के बारे में जिसकी ज़मीन इस डैम बनाने से डूब गई, उसके लिए तो ये बहुत ही दुखदायी चीज़ हो गया. तो मतलब क्या, उसके लिए तो डेवलपमेंट नहीं लेके आया डैम. तो डैम डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज के लिए, बट नॉट फॉर द फार्मर. राइट, तो मतलब क्या हो गया, हर एक व्यक्ति के डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होते हैं, इसके लिए डेवलपमेंट कुछ और ही होता. यहाँ पर केवल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर फार्मर का डेवलपमेंट तो नहीं हुआ ना. तो डेवलपमेंट के जो मीनिंग है ना, वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अलग अलग होते हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. राइट, और वहीं अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में डेवलपमेंट के मीनिंग क्या हो सकते हैं, तो देखिए अगर ओवरऑल अगर बताने की कोशिश करूँ तो इंडिया में डेवलपमेंट के मीनिंग हो गए कि यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, सोसाइटी भी प्रोग्रेस करे और इकोनॉमी भी प्रोग्रेस करे हमारा. मतलब क्या हो गया कि सोशल इक्वालिटी भी आए, फॉर एग्जाम्पल प्रॉवर्टी रिड्यूस हो, फॉर एग्जाम्पल के अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो, राइट, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो,
साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो, हमारा जीडीपी भी ग्रो करे, हमारा पर कैपिटा इनकम भी ग्रो करे, राइट। साथ ही साथ हमारा जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो। तो मतलब क्या हो गया कि सोशल स्फीयर में तो डेवलपमेंट हो ही, साथ ही साथ इकोनॉमिक स्फीयर में भी डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो, पॉवर्टी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, साथ ही साथ इनइक्वालिटी कम हो। तो मतलब इंडिया में डेवलपमेंट के मीनिंग को अगर आप समराइज करने की कोशिश करो तो आप कहोगे कि सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, साथ ही साथ पॉवर्टी में रिडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन एंड इनइक्वालिटी में रिडक्शन, राइट। तो ये चीज़ें थी। अब इसके लिए इंडिया के पास दो मॉडल था। मतलब क्या कि अब इंडिया आज़ाद हो चुका है, अब इंडिया के पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं कि उन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक मॉडल चूज करे, बिकॉज इंडिया को क्या करना था, डेवलपमेंट। क्या करना था इंडिया में, डेवलपमेंट करना था। अब इंडिया आज़ाद हो चुका है, इंडिया अब एक स्वतंत्र देश के रूप में सांस ले रहा है। अब यहाँ पर नेताओं को ये ज़रूरत आन पड़ी, ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब भारत के लोगों को विकास की तरफ उन्मुख किया जाए, विकास की तरफ ले जाया जाए, उनको गरीबी से दूर किया जाए, उनको बेरोजगारी से दूर किया जाए, उनको अशिक्षा से दूर किया जाए। तो इन सब के लिए इंडिया के पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल थे, दो ऑप्शन अवेलेबल थे। पहला था कैपिटलिज्म, जो कि यूएस फॉलो कर रहा था। यूएस आपने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ रखा है कि कैपिटलिज्म का एक कह सकते हो फ्लैग बेयरर वो था यूएस, एंड दूसरी तरफ था सोशलिज्म जो कि यूएसएसआर, जो आप प्रेजेंट डे रशिया गए तो यूएसएसआर सोशलिज्म का एक फ्लैग बेयरर था। इंडिया के पास दो मॉडल अवेलेबल थे, या तो यूएस का कैपिटलिज्म फॉलो करे और या फिर वो यूएसएसआर का सोशलिज्म फॉलो करे। अब इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए। कैपिटलिज्म जो बात करता है ना, वो प्रॉफिट मेकिंग की बात करता है कि प्रॉफिट मेकिंग हो, केवल प्रॉफिट के लिए काम हो। लेजर फेयर जो आप एडम स्मिथ की बुक पर होगे तो उसमें एक कंसेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने, जो एडम स्मिथ, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने कहा था लेजर फेयर हो, मतलब क्या, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए, लोगों को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्री छोड़ देना चाहिए कि वो कंपीट करे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कंपीट करे, कंज्यूमर्स के साथ कंपीट करे, और सब लोग केवल किसके लिए काम करे, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। ये कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कहती है कि सभी रिसोर्सेज पे, सभी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे सोसाइटी का हक होगा, वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं हो। कैपिटलिज्म क्या कहता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, क्या हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, एंड इंडिविजुअल्स क्या करें, इस चीज़ को प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज़ करें। मतलब रिसोर्सेज पे हक किसका हो, प्राइवेट लोगों का। बट सोशलिज्म क्या कहता है कि रिसोर्सेज पे किसका स्वामित्व हो, किसका अधिकार हो, सोसाइटी का। इट मीन्स गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करे सोसाइटी के सभी लोगों के। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लैंड है, तो अभी ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि इस लैंड को एक व्यक्ति के हाथ में ना रहने दे, गवर्नमेंट क्या करे कि जिसको जितनी जरूरत है उतना उतना लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये चीज़ होती है, ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो कि यूएसएसआर फॉलो किया करता था। तो इंडिया के पास दोनों मॉडल अवेलेबल है, या तो इंडिया कैपिटलिज्म को फॉलो कर ले या तो इंडिया सोशलिज्म को फॉलो कर ले। अब इंडिया के जो नेता लोग हैं उनके पास ये समस्या उत्पन्न हो गई कि इंडिया कौन सा मॉडल अडॉप्ट करे, इंडिया कैपिटलिज्म अडॉप्ट करे जो कि यूएस फॉलो कर रहे हैं, और सोशलिज्म अडॉप्ट करे जो कि यूएसएसआर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में अपने प्रो एंड कॉन्स, दोनों के अपने अपने। ठीक है, इंडिया ने चुना यूएसएसआर मॉडल। इंडिया के जो बड़े लीडर्स थे, जैसे आप कुछ नाम जानते हो, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो जो थे उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो यूएसएसआर के सोशलिज्म एंड सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। एंड इंडिया में आप जानते हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बन चुकी थी 1920s के दौरान, 25 में अगर प्रिसाइजली कहूँ, 25 में सीपीआई पार्टी भी बन चुकी थी, जो कि बाद में 1964 में सीपीआई से स्प्लिट हो गए, सीपीआईएम जो बना था। एनीवे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से प्रभावित थी। तो ये सब लोग क्या चाहते थे, ये सब लोग चाहते थे कि इंडिया किस तरह की अर्थव्यवस्था बने, सोशलिस्टिक अर्थव्यवस्था बने, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ पर रिसोर्सेज किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, और गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए लोगों को रिसोर्स का आवंटन करे। इसके लिए क्या किया गया, प्लानिंग किया गया, और हमारे देश में प्लानिंग की शुरुआत हुई। प्लानिंग मतलब होता क्या,
प्लानिंग मतलब सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, प्लानिंग मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज का सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास 2 मंथ का टाइम है, के बोर्ड्स के लिए 2 मंथ का टाइम है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास रिसोर्स कितना अवेलेबल है 2 मंथ। आप क्या करोगे, इसको सिस्टमैटिकली यूटिलाइज करोगे, ठीक है। आपका टारगेट है क्या, बोर्ड्स, बोर्ड्स फोड़ना है, बट रिसोर्स कितने हैं आपके पास 2 मंथ, तो आप इसको क्या करोगे, सिस्टमैटिक यूटिलाइज करोगे। आप प्लान बनाओगे कि मुझे इस वीक में पॉलिटिक खत्म करना है, इस वीक में मुझे हिस्ट्री खत्म करना है, इस वीक में मुझे इंग्लिश खत्म करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये प्लानिंग क्या है, सिस्टमैटिक आप यूटिलाइज करोगे इस मंथ को। अगर आप बिना प्लानिंग किए बस बोर्ड को टारगेट करके चल रहे हो, तो एक कहावत है ना, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब क्या, अगर आप प्लान नहीं बना पाते हो, प्लानिंग के साथ आगे नहीं चलते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली फेल होने की तैयारी कर रहे हो। तो हमेशा क्या करना चाहिए, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो भारत ने भी यही सोचा कि प्लानिंग करते हैं, किस चीज़ की प्लानिंग करेंगे, कि जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, बी इट नेचुरल रिसोर्स या आर्टिफिशियल रिसोर्स, जो भी चीज़ है, उसको प्लान करके उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि सभी का भला हो, क्या हो यहाँ पर, वेलफेयर हो। तो लोगों में प्लानिंग को लेकर अलग अलग विचार थे। बहुत सारे लोग थे जो कि कहते थे कि नहीं नहीं कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को अपनाया जाए, कुछ लोग कहते थे नहीं सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को अपनाया जाए, कुछ लोग कहते थे प्लानिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, बट कुछ लोग कहते थे कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं थी, जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से जो प्रभावित थे। लेकिन इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी एक जो पॉइंट था जिस पर सभी लोग सहमत थे, वो ये कहते थे कि गवर्नमेंट को एक डिज़ाइन तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट को प्राइवेट एक्टर्स पे नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब क्या, इस पर आपसी सहमति बन चुकी थी कि आप डेवलपमेंट को प्राइवेट प्लेयर्स पे नहीं छोड़ सकते हो, बिकॉज देश की स्थिति उस समय बहुत बेहतर नहीं थी, यहाँ पर अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी चरम पे थी, तो आप प्राइवेट प्लेयर्स पे नहीं छोड़ सकते हो ये सारी जिम्मेवारी। तो सभी लोग इस बात पे आखिर सहमत हो गए कि नहीं नहीं गवर्नमेंट को एक स्टेप उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को एक डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, एक प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है, एक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। और इसके पीछे एक रीज़न और समझिए, क्या था इसके पीछे का रीज़न। देखिए 1930s का दौर हमारे पूरे विश्व के इतिहास के लिए बहुत बुरा दौर रहा, बिकॉज ग्रेट डिप्रेशन, विश्व ग्रेट डिप्रेशन में फैला, जिसमें अमेरिका और यूरोप के कई सारे देश प्रभावित हुए थे। ये देखकर लगा कि नहीं नहीं कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी जो है ना वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी के अपने लूप होल्स है, बिकॉज यहाँ पर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि आप काम किसके लिए करते हो, बिकॉज प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हो, तो प्रॉफिट के लिए जब आप काम करोगे तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करोगे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी जिसको कह सकते हैं, अब तक का सबसे बड़ा मंदी आ चुका था, और कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी पर से लोगों का विश्वास उठता हुआ जा रहा था। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स पे आप अगर आप डेवलपमेंट छोड़ दोगे तो स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, तो ये देखने को मिला था। फिर जापान एंड जर्मनी का एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिला, जहाँ पर क्या किया गया, इन दोनों देश ने बर्बाद होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों ही देश बर्बाद हो चुके थे। आपको पता होगा जापान में क्या हुआ कि हिरोशिमा नागासाकी पे 2 एटम बम गिराए गए थे, और उसके बाद ये पूरा बर्बाद हो चुका था। लेकिन कुछ ही सालों में जापान कुछ इस स्थिति में पहुंच चुका था। जर्मनी का भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ, जापान और जर्मनी एक ही, आपको पता होगा कि ये सब एक्सिस पावर में थे, तो जर्मनी की भी स्थिति कुछ बहुत खराब हुई, क्योंकि हिटलर का रूल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एंड हिटलर के मरने के बाद जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड खत्म होने के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी। लेकिन जर्मनी और जापान ने एक एग्जाम्पल दिया पूरे विश्व के सामने कि नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक बर्बाद से देश को भी बेहतर बना सकती है। तो इंडियन लीडर्स को लगा नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो जापान को देखो, देखो जर्मनी को देखो, वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद से जिम्मेदारी उठाई और देश को बहुत बेहतर बना दिया। साथ ही साथ इंडियन लीडर्स ने देखा कि USSR ने अपने यहाँ पर प्लानिंग अडॉप्ट करके, जो 5-year plan है, USSR ने ही सबसे पहले 5-year plan अडॉप्ट किया था, 5-year plan स्टार्ट किया था, तो ये 5-year plan को अडॉप्ट करके USSR भी इकोनॉमिक ग्रोथ करता जा रहा है। तो मतलब क्या, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने का ख्याल इंडियन लीडर्स के पास आया ही नहीं, बिकॉज कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को फेलियर मिल चुका था 1930s में। तो इंडियन लीडर्स ने सोचा कि नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग USSR की आइडियोलॉजी अपनाते हैं। USSR की आइडियोलॉजी क्या कहती है, USSR की आइडियोलॉजी कहती है कि एक प्लानिंग अथॉरिटी हो, क्या हो, एक प्लानिंग अथॉरिटी हो, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी हो, जिसका काम क्या हो कि पूरे देश में
सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, मतलब पूरे देश में किस प्रकार से रिसोर्सेज का एलोकेशन हो, किस प्रकार से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए एक 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 अथॉरिटी, एक बॉडी हो जो क्या काम करे, जो 5 ईयर प्लान बनाए, जो कि देश में किस प्रकार से ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो, उसको देख सके। फॉर एग्जाम्पल ये 2020 है, तो अब 5 साल के क्या किया जाएगा, 2025 तक के लिए प्लान बनाया जाएगा कि इन 5 सालों में हमें इकॉनमी को इतना परसेंट से ग्रो करवा देना है, या एजुकेशन का लेवल इतने परसेंट से इंक्रीज करवा देना है, अनएम्प्लॉयमेंट को इतने परसेंट से रिड्यूस करा देना है। मतलब 5-5 सालों के लिए प्लान बनाती थी USSR, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी थी। तो इंडिया ने भी सोचा नहीं ये बहुत अच्छा है, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी अपने आप ही बनाएंगे और उसको काम दे देंगे कि आप 5 ईयर प्लान बनाओ और 5-5 साल के लिए प्लान बनाते हुए चलेंगे। इसलिए इंडिया ने USSR से ये चीज़ सीखा और इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन बनाया, इंडिया में प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को किस देश से सीखा है, तो आप लिखोगे USSR, या फिर आप कह सकते हो रशिया। हालांकि उस समय तो USSR था, रशिया बाद में 1990s के बाद जब डिसइंटीग्रेशन होता है USSR का तब बनता है, बट ऑप्शन में USSR है तो आप उसको टिक करोगे, राइट। तो इंडिया ने 5 ईयर प्लान को भी कहाँ से लिया, USSR से। इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को कहाँ से अडॉप्ट किया है, USSR से। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्या ये प्लानिंग कमीशन अचानक से बन गया, नहीं, इंडिया में बहुत दिनों पहले से ही कुछ चीजें हो रही थी, कुछ डेवलपमेंट हो रहा था, जो कि अल्टीमेटली प्लानिंग कमीशन बनता है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के समय में नीति आयोग के साथ काम कर रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन को एक सडन इन्वेंशन नहीं था, 1936 में एम विश्वेश्वरैया ने, जिनके बर्थडे पे हम लोग इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें उन्होंने 10 ईयर प्लानिंग की बात करी थी, मतलब उन्होंने एक विचार दिया था कि इंडिया में 10 ईयर प्लान बनाए जाए, और ये विचार उन्होंने किस पुस्तक में दिया था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये विचार बहुत पहले आ चुका था कि इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन हो जो कि क्या करे, इंडिया को प्लान्ड तरीके से आगे करे, जो कि इंडिया में प्लान तरीके से डेवलपमेंट करे, और उन्होंने प्रपोज किया था कि 10 ईयर प्लान्स बनाए जाए। फिर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी की शुरुआत करी गई और ये शुरुआत किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन क्योंकि फिर 1939 में आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो चुका था एंड फिर बहुत सारे लीडर्स जो थे उनको जेल में डाल दिया गया था, तो इन सब की वजह से ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड देन उसके बाद एक बॉम्बे प्लान आता है जो कि 8 इंडस्ट्रीज जो उस समय के बड़े इंडस्ट्रीज थे, जैसे टाटा और बिड़ला, जेडी बिड़ला, ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास, ऐसे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे उस समय के एमिनेंट इंडस्ट्रीज, उन्होंने 1944 में बॉम्बे प्लान दिया था। बेसिकली इन लोगों ने एक प्लान सजेस्ट किया था कि इंडियन गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा था कि आप इस प्लान के हिसाब से चलो। इसमें उन्होंने बात की थी, बेसिकली इंडस्ट्रीज थे तो वो बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। उसके बाद फिर पीपल्स प्लान आया, ये एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद गांधीयन प्लान आया, ये श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रपोज किया गया था 1944 में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधीयन प्लान किनके द्वारा, तो आप महात्मा गांधी नहीं लिख दोगे, वहां पर आप लिखोगे श्रीमन नारायण अग्रवाल या फिर श्रीमान नारायण अग्रवाल, जिन्होंने 1944 में एक गांधीयन प्लान को प्रपोज किया था। फिर उसके बाद सर्वोदय प्लान, जो कि जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी कहा जाता है, और उन्होंने 1950 में ये सर्वोदय प्लान को प्रपोज किया था, राइट। एंड इन सब की बदौलत आप कह सकते हो कि ये सब एक बैकग्राउंड इमेज था। इसके बाद जो फाइनल फिगर निकल के आता है वो निकल के आता है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये बना मार्च 1950 में, और अगर प्रिसाइजली कहूँ तो 15th मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया बाय सिंपल रिजोल्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं, प्लानिंग कमीशन इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि प्लानिंग कमीशन का जिक्र आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ठीक। एंड साथ ही साथ ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब ये होता है कि सरकार के किसी एक्ट के द्वारा बनता है। एक्ट मतलब कानून के द्वारा पास करके अगर आप कोई बॉडी बना रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है। बट ये वैसा भी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा बना है, एक सिंपल रिजोल्यूशन, एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एडवाइस होते हैं बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनके बाद प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया ऑन 15th मार्च 1950। और इसके जो चेयरमैन होते थे वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते थे, मतलब क्या हो गया, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के वही इसके चेयरमैन होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के वो चेयरमैन होंगे, एक्स ऑफिसो चेयरमैन। एक्स ऑफिसो मतलब होता है पदेन अध्यक्ष, पदेन मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर के पद पे होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा, राइट। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, बट बाद में इसी प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करके बाद में इसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन को फाइनली खत्म कर दिया गया 2014, ये इसका आखिरी साल था, एंड 2015 के बाद से नीति आयोग हमारे देश में फंक्शन कर रहा है। तो आप कह सकते हो प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग 2015 के बाद से फंक्शन कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट ये जानना जरूरी है हम लोगों के लिए कि ये प्लानिंग कमीशन क्या क्या करती थी। देखिए, ये फाइव ईयर प्लान को सजेस्ट किया करती थी कि इंडिया में ये फाइव ईयर प्लान होना चाहिए, अर्थात कि ये सजेस्ट करते थे कि इंडिया को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया को अभी एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, या फिर अभी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ पे, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से प्लानिंग कमीशन ने अपने खत्म होने से पहले 12 फाइव ईयर प्लान को इंडिया में एग्जीक्यूट करा। एंड आप देख सकते हो कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो कि 1951 से 56 के दौरान रहा, क्योंकि आप पता है 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई और 51 से पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत करी गई, और ये 51 से 56 तक पहली, एंड फिर 56 से 61 तक दूसरी, तीसरी 61 to 66। एंड उसके बाद क्या होगा कि तीन एनुअल प्लान लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता होगा कि 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुआ था एंड उसमें हम लोग हार गए थे अनफॉर्चुनेटली, एंड उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, आज तक हमेशा जीतते आए। तो ये दोनों लड़ाई के कारण इतना ज़्यादा बर्डन पड़ चुका था, इकोनॉमिक बर्डन, जिसके बाद पंचवर्षीय योजना के जगह पे तीन एनुअल प्लान को लाया गया। मतलब क्या, 1966 से 67, फिर 67 से 68 एंड 68 से 69, ये तीन एनुअल प्लान को लाया गया बिकॉज फॉर वेरियस रीजन, बिकॉज मानसून भी खराब हुआ था, ऊपर से आप देख रहे हो यहाँ पे दो लड़ाइयाँ इंडिया ने लड़ी थी उस दौरान। उसके बाद तीन एनुअल प्लान लाया गया, फिर फोर्थ हुआ, उसके बाद जब फिफ्थ की बारी आई तो एक नया झमेला शुरू हो गया, बिकॉज 1974 से 79 तक इसका पीरियड था। बट बीच में क्या होगा कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के बाद 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर गई और उसके जगह पे पहली बार नन कांग्रेस गवर्नमेंट यूनियन बनी और मोरारजी देसाई उसके हेड बने। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो फाइव ईयर प्लान था इसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया, एंड 78 में उन्होंने ड्रॉप कर दिया, एंड 79 से उन्होंने अपना ही प्लान शुरू कर दिया जिसको सिक्स प्लान बोला गया। ठीक है, मतलब उन्होंने सिक्स प्लान शुरू कर दिया था, लेकिन 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 जब 80 की बारी आई, देखिए सिक्स प्लान 1979 में शुरू हो गया और ये 84 तक चलता, लेकिन 1980 में क्या हो गया, इंदिरा गांधी वापस से सरकार में आ गई और उन्होंने ये जो फाइव ईयर प्लान था जो कि मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था इसको खत्म करके अपना सिक्स प्लान शुरू कर दिया। तो मतलब क्या, इंदिरा गांधी 1980 में आई और उन्होंने 1980 से 85 के लिए फिर नया प्लान, मतलब सिक्स प्लान शुरू किया, और जो ये प्लान था उसको एनुअल प्लान का नाम दे दिया गया, क्योंकि ये बेचारा सर्वाइव भी कर पाए एक ही साल, लेकिन इसको चलना था 1979 से 84 के बीच में, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार बीच में गिर गई और इंदिरा गांधी ने इसको कंटिन्यू नहीं किया, इसको बीच में ही ख़त्म करके अपना प्लान शुरू किया, माई वे और स्काई वे। देन सेवेंथ, फिर उसके बाद एनुअल प्लान, बिकॉज 1990 से 1992 के दौरान में भारत में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहा, बहुत सारी सरकार आए, बहुत सारी सरकार गिर भी गई, तो इस कारण से यहाँ पर एनुअल प्लान, और इवन कि आपको पता होगा कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह आई, तो इस कारण से यहाँ पर एनुअल प्लान लाए गए। ठीक है, फिर 8th, 9th, 10th, 11th, and 12th, और लास्ट जो फाइव ईयर प्लान था वो 12th फाइव ईयर प्लान, जो कि 2012 से 2017 के बीच में रहा। और अगर आपको याद करना है तो याद रखने के लिए ऐसे हो कि 12th जो फाइव ईयर प्लान था वो 2012 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो लेकिन आप फिर सोचोगे, सर ये तो आपने कहा कि नीति आयोग तो 2015 में ही आ चुकी थी, तो ये 2017 तक कैसे सस्टेन कर गया। देखिए, प्लानिंग कमीशन ने 17 तक बना रखा था ना, तो इसको कंटिन्यू रहने दिया गया। ठीक है, कंटिन्यू रहने दिया गया, बट प्लानिंग कमीशन कब एबॉलिश हो चुका था, 2014 में ही ये खत्म हो चुका था, और 2015 से नीति आयोग आज हमारे देश में काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अब हम लोग चलते हैं उस एमसीक्यू पे जो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो, जयप्रकाश नारायण, नहीं नहीं बहुत गलत जवाब, बी आर अम्बेडकर, नहीं ये भी नहीं, बलदेव सिंह, नहीं ये भी नहीं आंसर है, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, वही प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे, क्योंकि आपको बताया मैंने एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट, सो कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, एंड थैंक यू सो मच।